और देहरादून स्थित SGNPM इंटर कॉलेज के ग्राउंड में 3 दिवसीय एशिया एग्री हॉटी एंड ऑर्गेनिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि आयुर्वेद और जैव उत्पादों से जुड़ी प्रदर्शनी का आयोजन भारत मीडिया एंड इवेंट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से किया गया, जिसका शुभारंभ हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। साथ ही उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रदर्शनी से लोगों को आयुर्वेद, कृषि, बागवानी के साथ साथ नई तकनीकों के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि हमारे लिए बेहद उपयोगी होती है। उन्होंने प्रदर्शनी में प्रस्तुत प्लास्टिक के विकल्पों की भी सराहना की। उन्होंने प्लास्टिक को पर्यावरण के लिए हानिकारक बताया और प्लास्टिक के विकल्पों को अपनाने की अपील की है। आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आयोजकों को प्रदर्शनी के आयोजन के लिए बधाई दी। NGO हैं, कोऑपरेटिव्स हैं और कुछ डिपार्टमेंट विशेषकर जो सुरक्षा से संबंधित हैं, उनके कई उपकरण मुझे यहाँ पर देखने को मिले। और प्लास्टिक का जो विकल्प यहाँ पर मैंने देखा है, वो काफ़ी कुछ हमारी धरती को, पर्यावरण को बचा सकता है, ऐसा मैंने देखा है। मैंने लिटरेचर लिया, उसको पढ़ूंगा, लेकिन मुझे जैसा उन्होंने बताया है कि 90 डेज में वो बिल्कुल पूरी तरह उसकी मिट्टी में वो मिल जाएगा, तो बहुत अच्छा है, हमको उसका उपयोग करना चाहिए।